रखता हूँ कि क्योंकि अशोक लेलैंड का यहाँ बहुत लोग गाड़ी है लेकिन उसका मेंटेनेंस के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनका लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी यहाँ मिलेगा, यहाँ जो है सुविधा मिलेगा और अरुणाचल का जनता के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा और भरपूर अरुणाचल का लोग इसका आनंद मिलेगा। तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यूज उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप? मैं वही कहूँगा कि आप बाहर में नहीं जाना है और यहाँ से अगर आपको परचेस करने को मिलेगा, सुविधा मिल रहा है और मेंटेनेंस यहाँ को मिलेगा, सामने में मिल जाएगा, तो यहाँ का जो अरुणाचल का जो जितना भी बिजनेसमैन है और यहाँ से गाड़ी लेकर उसका भरपूर अपना यूज कर सकता है और यहाँ सबको यहाँ दूर जाना नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस भी नया गाड़ी भी यहाँ से मिलेगा और मेंटेनेंस भी यहाँ बराबर मिल जाता है, तो सब सुविधा मिलेगा और इस सुविधा को सबको मिलना चाहिए। सभी से मेरा एक मालिक लुक से अनुरोध है, वो अच्छा भरपूर अपना कस्टमर को सर्विस दे और अगर सर्विस नहीं दे पाओगे तब जाकर कस्टमर भटकने लगता है, कंप्लेन देना शुरू कर देता है, तो वो जाकर वो डीलरशिप लेने वाला बाबा होटल है वो बदनाम हो जाता है और वो आगे नहीं चल पाता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा नौजवान लोग भरपूर उन्नुक इसका भरपूर उन्नुक जो है मदद करने में और कस्टमर को खुश रखने में उन लोग कामयाब होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये हमारा अभी काशो साहब ने भी कहा कि अशोक लेलैंड एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा कंपनी है और आज अरुणाचल में अशोक लेलैंड जो है डीलरशिप पप्पू ऑटोमोबाइल को दे रहा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये मुझे अकेला दे रहा, नहीं, ये अरुणाचल का लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ का लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे फ़ायदा, जो ऐसे यूथ लोग हैं जो पढ़ लिख के इंजीनियरिंग सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर में जो लोग डिग्री मैंने ले के रखा है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो अशोक लेलैंड यहाँ ऑटोमोबाइल डीलरशिप दे रहा है, तो पप्पू ऑटोमोबाइल आज फर्स्ट फेज में हमने 35 एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट रिक्रूट किया और आने वाला कल में अशोक लेलैंड का डीलरशिप मुझे और 4 जगह और मिला है, जैसे कि पासीघाट, रोइंग और बोमडिला, तो उसमें भी हमारा सेल्स और सर्विस को लेंगे तो वहाँ भी काफ़ी लोग को इसका फ़ायदा और इंडिविजुअल फ़ायदा भी मिलेगा सर्विस का भी। तो आप पब्लिक लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे यहाँ में आने के? हाँ, मैं ये मेरा खुद का भी एक इस बिजनेस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आज काफ़ी साल से है, तो देखता है तो ये हमारे यहाँ में ऐसे ऐसे जो मशीन्स जो गाड़ी आता है तो उसका सर्विस का लेके लोग का एक फीडबैक रहा कि सर्विस नहीं दे पा रहा है, हालांकि अशोक लेलैंड को सब पसंद करता है, तो इसलिए आज मैं उस लेवल को मैं फुलफिल करने के लिए और अशोक लेलैंड का डीलर मैं यहाँ ला रहा हूँ और इसमें मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी मैं सर्विस पे ध्यान दूंगा और सेल्स अकेला नहीं हूँ और इसलिए मैं यहाँ का लोग को जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अलावा भी जो यहाँ का यूथ्स हो, यहाँ का बिजनेसमैन हो, यहाँ का पब्लिक हो, अलग अलग सेक्टर जो गाड़ी को यूज़ में लाता है, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अशोक लेलैंड का प्रोडक्ट के बारे में तो आप पता ही है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं मेरा अपील रहेगा कि अशोक लेलैंड आपको अरुणाचल का कोई भी कोना आप इंक्वायरी पप्पू ऑटोमोबाइल के नाम पे कीजिए, यहाँ से परचेस कीजिए, आपको जो दूसरा कंपनी जो ऑटोमोबाइल कंपनी जो आपको सर्विस दे रहा है उससे कई गुना ज़्यादा पप्पू ऑटोमोबाइल जो है सर्विस देना चाहेगा और देंगे और ये मेरा एश्योर है, इसलिए मेरा अपील है कि आप निर्जुली में NH1 में आप पप्पू ऑटोमोबाइल है, यहाँ से आप जो है कोई भी क्वालिटी चाहे अशोक लेलैंड का प्रोडक्ट का चाहे टीपर हो, डंपर हो, अलग अलग प्रकार बासेस हो और LCV में जो छोटा गाड़ी है, छोटा ट्रक है, छोटा दोस्त का नाम से, बड़ा दोस्त का नाम से आप परचेस कीजिए और कंपनी आपके साथ है, पप्पू ऑटोमोबाइल आपके साथ है। सर थैंक यू। जैसे आप लोग का जो हेल्पलाइन का जो दिया हुआ है, सर आप लोग का सर्विस मतलब कितना रेंज का हो, मतलब कितना किलोमीटर तक का आप लोग सर्विस दे पाए? हमारा अशोक लेलैंड परिवार का पप्पू ऑटोमोबाइल उनके साथ जुड़ा है तो ये आपका सामने सर्विस बैन करा है, ये स्पेसिफिक ये दूसरा पर्पज़ नहीं है, अरुणाचल का कई भी कोना चाहे वो टकसंग हो, लिमिकिंग हो, हमारा वहाँ तवंग हो
और यहाँ मैं चुका कहीं भी अशोक लेलैंड का अगर प्रोडक्ट गाड़ी अगर प्रॉब्लम में है तो तकलीफ में तो वहाँ हमारा पप्पू ऑटोमोबाइल्स दिन रात कभी भी बिना रुकावट थकावट आपको वहाँ सर्विस दिया जाएगा।